करना है अदर, क्या करना है वैसा मुझे और आपको करना है, तो अपने आप को डालना, मेरे हाथ से किसी मुसलमान की तकलीफ तो नहीं ना, और मेरी ज़बान से किसी को मैं नुकसान तो नहीं पहुंचाता हूं ना, वरना हाथ से तकलीफ तो लोग इतने आसान, मैंने देखा गाड़ी गाड़ी लग गई ठीक है ना, सो गला कैसा पकड़ सकते हैं आप, इसकी इजाज़त किसने दिया, इसकी इजाज़त किसने दी आपको बताइए, किसी गला पकड़ने की, गाड़ी से गाड़ी की टक्कर हुई ठीक है, लेकिन इसकी इजाज़त कि आप हाथ उठाए उस पर, ये ना कोई दुनिया का कानून देता है और ना ही शरीय कानून देता है, समझिया, इस्लाम एक बहुत ऊंचा दीन है, वो अपने मानने वालों को बहुत ज़बरदस्त नसीहतें करता है, समझ रहे आप, समझ रहे, एक बीच में ऐड आया था एक इंश्योरेंस कंपनी का, दो लोग टकरा जा रहे एक दूसरे से मिल रहे, नारियल पानी पीते बैठ चुके, इंश्योरेंस कंपनी आएंगी दोनों को दे देंगी, लेकिन आपको बताएं कि ये मामला मुसलमानों का सदियों से चला आ रहा है, आप गल्फ वगैरह में सऊदी अरब में कभी रहेंगे, गाड़ी से गाड़ी टकरा जाती है, दोनों निकल के सलाम करते एक दूसरे की खैरियत पूछते, माफ़ी मांगते, गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी वहाँ छोड़ दिए, लोग आके उसको करेंगे जो करेंगे, लेकिन कभी लड़ाई करते हुए देखेंगे, हो गया ना जो होना है, ऑलरेडी माली नुकसान हो चुका है, समझ रहे, गलती किसकी भी रहो, ये आदत, ये आदत है, हाँ एक इल्ला माशाल्लाह गुस्सा फ्रस्ट्रेट एक्सपैट है, घर के हालात ठीक नहीं तो एक अलग बात है, आदमी गुस्सा नहीं है, लेकिन जनरल सेंस में देखिए, एक दूसरे को सलाम करेंगे उतरते सबसे पहले, हाल अहवाल पूछेंगे, गले लगेंगे, दुआएं देंगे, सब चक्कर ख़त्म होने के बाद गाड़ी क्या फिर देखेंगे, ये लास्ट चीज़, ये लास्ट चीज़ हो गया, हो इसी बहाने अल्लाह ने मिला दिया, समझ, बल्कि ये कई बार नए रिश्ते बनने की वजह बन जाती, क्या इसको गाड़ी को लगी, हाँ ऐसे हालात देखा मैंने, एक साहब आए गाड़ी को टक्कर मारी चले गई, जनरली वहाँ गाड़ियों में अपने मोबाइल नंबर रखे लोग सामने रखते हैं, अगर मेरी गाड़ी से तकलीफ है तो मुझे कॉल करें, पीछे लगाते आगे रखते हैं, उसने नंबर पे मैसेज किया, मैं अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई है, बना लीजिए जितना पैसा हो मुझसे आके ले लें, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ रुक नहीं सकता वहाँ, लेकिन मेरी गाड़ी से लगा, कोई देखने वाला था कोई भी नहीं, लेकिन उसको पता है ये भाई आके हाथ नहीं उठाएंगे उस पर, ये भाई आके उसका माली नुकसान नहीं करेंगे, अच्छा मेरी गाड़ी को मारा ले पत्थर लेके उसकी गाड़ी और तोड़ दी, नहीं उसने डाल के गया मैसेज SMS किया कि मेरी गाड़ी से आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई, आप मेहरबानी करके मुझसे कॉन्टैक्ट करें, गाड़ी बना ले अपनी, जो चार्जेस हो मैं पे करूंगा, मैं जल्दी में इधर से रुक नहीं पा रहा, समझिए आप, ऐसे लो ऐसा होना चाहिए, हाथ से और ज़बान से, दूसरा मुसलमान अगर मेरे हाथ और ज़बान से महफूज है मैं अफजल मुसलमान, नहीं तो फिर सोचें, हम सोचें, बहुत सोचने की बात है, हमारे मुल्कों में ज़रा ज़रा बातों पर हाथ उठा देते हैं और माली नुकसान करते हैं लोगों, बिल्कुल नहीं, माली नुकसान यही नहीं कि आप किसी घर तोड़ दे आकर, माली नुकसान सिर्फ यही नहीं कि उसका माल चुरा दे, माली नुकसान ये भी है कि आप किसी घर में खाना खाए और पर्दों से हाथ पोंछ के आए, उसका माल डैमेज होता है, उसके पर्दे महंगे ख़राब हो सकते हैं, समझिया, बहुत एहतियात, माली नुकसान नहीं होना और मेरी इज्जत ना उतरे, तो जिसकी ज़बान से जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है वो अफजल है, आइए आगे बढ़ते हो, आमिर बिन